वो जो आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज दिस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पहले से हमारे पास गिवन है कि जो एरिया है वो पैरामीटर्स के टर्म्स में ही गिवन है, इसलिए आप जो है एक ट्राइंगल जो लेंगे उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट t1, t2 और t3 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा तो कहा नहीं गया है कि यहाँ पे फोकल कॉर्ड है एक, अगर फोकल कॉर्ड नहीं होगी तो आप t1, t2 is equal to -1 नहीं यूज करेंगे, आपको बस आपके पैरामीटर्स लेने t1, t2, t3 और आपको एरिया निकालना है। तो बच्चों ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए या तो आप पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए 1/2 x1 y2 - y3 लाइक दैट, और अगर आप डिटर्मिनेंट यूज करेंगे तो डिटर्मिनेंट यूज करके भी आप एरिया निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट क्या बताता है बच्चों, वो बताता है कि 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 सब कुछ बच्चों पुट कर दीजिए। और अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आप क्लास 11th में है अगर नहीं आते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, और अगर आते हो तो आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके इसका आंसर जैसे ही निकालेंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा। वैसे बच्चों मैंने आपको रटवा रखा है कि आपके पास कभी भी इस तरह का अगर डिटर्मिनेंट है ए बी सी ए स्क्वायर, ध्यान दो ए याद आ रहा है, देखो मैंने एक तरह का डिटर्मिनेंट आपको सिखा रखा है, मतलब अगर आपको याद है तो देखिए मैंने आपको इस तरह से सिखाया था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1, तो बच्चों डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिक्स होती है, वो थी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, तो आप डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आ जाएगा d1 - t2 t2 - c3 t3 - c1, और a तो बच्चों आपको पहले ही से नजर आ रहा था कि बाहर आ चुका है a square, है ना, तो a square जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है,